है। मैं इस केस को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से अवैधानिक घोषित करती हूँ और पीछे हटने का आदेश देती हूँ। भ्रष्ट भूपेश और टामन सिंह सोनवानी के साठ गांठ से जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसे के लेन देन करते हुए जो पीएससी में नियुक्ति हुई है, इसको निरस्त करने की मांग और न्यायिक जांच करने की मांग, साथ ही साथ टामन सिंह सोनवानी का नार्को टेस्ट हो, ये मांग को लेकर हम आज आंदोलन करने आए थे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया जाएगा, हम इस लड़ाई को अलग अलग आंदोलन के माध्यम से जारी रखेंगे। अभी जो वर्तमान में पीएससी की नियुक्तियां हैं उन पे इनका आरोप है कि मतलब नेतागिरी या अफसरों के बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो इसको लेकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन आज किया गया था। धरना प्रदर्शन में कुल लगभग एक घंटे के आसपास इनके द्वारा धरना दिया गया और रैली का रूप लेते हुए यहाँ पर कलेक्टर घिराव का प्रयास किया गया। जी भीड़ काफ़ी आक्रामक थी। हमारे द्वारा गेट के काफ़ी पहले ही बैरिकेड लगाया गया था, तो भीड़ की आक्रामकता को देखते हुए हमको पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा।